कुछ अच्छा सीख रहे हैं यहाँ पर, और हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जैसे कोई आपको पंपलेट बनाना है तो यहाँ पे कुछ रेडीमेड चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो। आपने बहुत सारा पंपलेट देखा होगा, उन पंपलेट पे क्या होता है आपने ये भी देखा होगा, जैसे ये एक मॉडल दिख रहा है, दूसरा एक मॉडल, ये अलग अलग मॉडल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसका साइज़ अलग अलग है। अगर आप कुछ अलग टाइप का बनाना चाहते हैं तो यहाँ भी आपके पास अवेलेबल है, आप इनका हेल्प ले सकते हैं या ऑनलाइन में टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देख लो, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो पूछता है कि आप कैसे चाहते हो, स्क्वायर चाहिए या रेक्टेंगल में चाहिए। अगर आपको ऐसे ही नॉर्मल चाहते हो तो आप इसको क्या करो, डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करोगे तो आपको ये मिल जाएगा तुरंत फॉर्मेट। आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर जैसे आपने पंपलेट में देखा होगा, यहाँ पर उसका नाम होता है जो इश्यूड वगैरह होता है, जैसे कि मैं यहाँ बना दूँ, हमने लिख दिया ICMD, या हमने लिख दिया किनाराम कंप्यूटर, ओके। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसके बारे में कि मैनेजमेंट कॉलेज, कॉलेज, ओके। और यहाँ पे इसको स्मॉल करना चाहते हो तो स्मॉल भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑफ चल रहा है, ठीक है, 50% ऑफ एडमिशन, तो ये चीज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्टली टाइप कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या करो, उस चीज़ को टाइप कर दो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, राइट बटन क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन होगा एक एडिट का, होम पे चले जाओ, स्टाइल टेक्स्ट, हम यहाँ पे लिख देंगे 50% ऑफ, हम टाइप कर सकते हैं एडमिशन वगैरह के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अपना स्टाइल वगैरह देना चाहते हैं तो स्टाइल हम दे सकते हैं, और टेलीफोन नंबर भी देना चाहें। देखो यहाँ पे फॉर्मेट बना हुआ है, आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कुछ ऑप्शन पड़े हैं यहाँ पर, जैसे आप कोई बॉक्स इसका सेट करना चाहते हो तो ये अलग ही फॉर्मेट मिलेगा। इंसर्ट पर चले जाओ और डिज़ाइन पर चले जाओ, यहाँ से कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर लो। आप चाहते हो कि इसका फॉर्मेट चेंज हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो इनका इस्तेमाल करो। जो फॉर्मेट सेलेक्ट रहेगा वो फॉर्मेट चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ इंसर्ट पे जाओगे, यहाँ पे शेप मिलेगा, शेप में कुछ आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है। ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट मिल रहा है, तो आप क्या चाहते हो इस पर कुछ अच्छा बनाना चाहो तो बना सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। और कैलेंडर वगैरह लगाना चाहो, पेज पार्ट या कुछ एडवर्टाइजमेंट, बैकग्राउंड लगाना चाहते हो तो बैकग्राउंड देखो, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक बैकग्राउंड मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते कुछ नया चीज़, और अभी देख रहे आप देखिए अवार्ड, कुछ अगर मान लो कोई सर्टिफिकेट बन रहा है, ठीक है, तो इस ये भी चाहिए अवार्ड बनाना है तो क्लिक करें इस पर डबल, यहाँ पे इसका फॉर्मेट मिलेगा, आपको केवल टाइप करनी है, ओके। बहुत आसान है, यहाँ पे होगा जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्मेट दिख रहा होगा, जिस टाइप का अवार्ड होगा, स्पोर्ट का होगा तो स्पोर्ट के लिए अलग रखेंगे आप, ठीक है, या कोई एलुमनी है, कोई स्पोर्ट अवार्ड है तो कोई स्पोर्ट अवार्ड है, डबल क्लिक किया, ये फॉर्मेट बन गया। या उसका बिजनेस नाम, ठीक है, स्पोर्ट अवार्ड लिख दो यहाँ पे, सिग्नेचर वगैरह, ओके। और भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनका। अब ये आपको जो फॉर्मेट मिला है इस पर क्या करो, यहाँ पे इंसर्ट में एक ऑप्शन मिलेगा आपको कैटलॉग पेज, कुछ टाइप करना चाहते हो तो वहाँ पर टाइप कर सकते हो। इसके बाद हमें ऐसा टेम्पलेट चेंज करना है, टेम्पलेट का हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसी में देखो कुछ चीज़ें ऐड करनी हो तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें ऐड करने के लिए, यहाँ पे पेज पार्ट्स वगैरह, आप कुछ ऐड करना चाहते हो बीच में इसको ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ये सब मोस्टली हम लोग जब बुक्स वगैरह बनाते हैं तो उनमें ऐड करते हैं, इसमें ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद नया चीज़ देखो कुछ और, आप इनका इस्तेमाल खुद करना, ठीक है ना, अवार्ड एक बनाना, एक कोई आपके पास सर्टिफिकेट होगा ही जरूर, आपके पास स्काउट का होगा या स्पोर्ट का होगा, तो वहाँ पे इसको बहुत आसानी से आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, आप बना सकते हो। अब देखो बैनर बनाना है, क्लिक करेंगे बैनर पे, जैसे आपने देखा कि बड़े बड़े ऑडियंस लगे होते हैं, बैनर लगे होते हैं, आप साइज़ भी नीचे देख सकते हो कौन सा साइज़ आपको चाहिए, वो आप डिपेंड करता है आप पे। हम एक क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा बैनर बनाएंगे, हमने क्लिक किया,
यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, हम लोगों ने डबल क्लिक किया, फॉर्मेट रेडी, इसको हम स्मॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके यहाँ पर हम इसको चेंज वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो बहुत अच्छे से। हमने यहाँ लिख देना है क्या, एंड मैनेजमेंट कॉलेज रामगढ़ चंदौली, ठीक है ये बन गया। इसको आप सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर बोल्ड कर लो, फॉन्ट वगैरह सेट करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो, जो आपको लगे कि हाँ वहाँ पे ठीक ठाक है। ठीक है इनका इस्तेमाल रंग से करोगे, और स्टाइल वगैरह देना चाहते हो तो यहाँ पे स्टाइल मिलेगा बहुत नॉर्मल सा अलग अलग। इसके बाद यहाँ पर शेडो देना चाहते हो तो शेडो दे सकते हो, टेक्स्ट के आपको शेडो मिलेगा, और कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डिज़ाइन में जाओ, ये टेक्स्ट के कलर वगैरह मिलेंगे क्योंकि पूरा एरिया बैकग्राउंड ब्लैक है, अभी कलर कर लो यहाँ से। आप डिज़ाइन पे जाओ, यहाँ पर क्या होगा ये मोमेंट, यहाँ पर हम बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड्स हैं, जो सूटेबल होगा वो आप सेट कर लो, बैनर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे इमेज लगाना, इमेज लगा दो लाके लोगों, ठीक है। अब वापस है कि इसका टेम्पलेट चेंज करना चाहते हो कुछ अलग टाइप का, तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करो आपको यहाँ पे दिखता है इस साइड में, ठीक है, और ऑल इवेंट दिखा लो यहाँ पे। बाकी आप इंटरनेट से भी इस्तेमाल कर सकते हो, पेज साइज जहाँ से भी बना सकते हो, बॉर्डर भी सेट कर सकते हो। ओके तो ये बने बैनर बन जाएगा। अब देखते कुछ और नया चीज, अब हमें बनाना है बिजनेस फॉर्म, तो बिजनेस फॉर्म बनाने के लिए बहुत आसान तरीका होगा, क्लिक करेंगे हम डबल, यहाँ पर कुछ नॉर्मली हमें दिख रहा है, इंटरनेट से इस्तेमाल करने के लिए पूछ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हैं, हम इसे क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे। अब इसको देख सकते हैं आप, एक फॉर्म होता है यहाँ पर, यहाँ पे अपने कंपनी का नाम लिख दो, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये रेडीमेड बना हुआ है, आप बना भी सकते हो इसको अलग से। ये देख सकते हो डेट लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ओके ट्रांसपोर्ट है, मील है, अदर, ये सब चीज़ें पूरा पूरा दिखाया गया यहाँ पे डिटेल, तो ये आप रेडीमेड फॉर्म यूज़ कर सकते हो। बाकी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो कर भी सकते हो, इसमें आप टाइप भी कर सकते हो टेक्स्ट। ओके तो ये ख्याल रखो कि ये सब चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं कहीं भी शूट में वगैरह में, बहुत ही कम जगह, शायद कह सकते हैं बहुत नहीं पढ़ाया जाता लगभग में, तो इसको आप खुद प्रैक्टिस करके सीख सकते हो, हालांकि पढ़ाना चाहिए, ये भी ऑफिस का पार्ट है। ओके तो यहाँ पर कुछ हम देखते हैं नया चीज़, अब हम यूज़ करेंगे कैटलॉग। कैटलॉग में यहाँ पे अलग अलग मॉडल मिलेंगे हमें, फोटोशॉप का मॉडल अलग अलग, ठीक है। हम इसे यहाँ पे डबल क्लिक किया हमने, ये सब पार्ट आपको जानना चाहिए, और ये सब क्या चीज़ नया चीज़ें होती हैं, आपको कुछ बैनर वगैरह बनाना हो तो बहुत आसानी से बन जाएगा ना। हमें क्या करना है, रेडीमेड मिल गया और हम उस पर मॉडिफिकेशन कर लिया हमने, ये सब क्या है मॉडल्स वगैरह, किसी आइटम के बारे में डिस्क्रिप्शन देना हो, ठीक है, तो ये बहुत आसान हो जाता है कि इसके अंदर क्या क्या यूज़ हुआ है वो आप डिटेल दे सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कोई सामान, आप जिसे अमेजन ओपन करते हो या फ्लिपकार्ट क्लब फैक्ट्री वगैरह, तो वहाँ पे क्या मिलता है, ये आपने देखा होगा, ये कोई आइटम होता है तो आइटम का डिटेल भी होता है, तो इसको बोलते कैटलॉग, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद कुछ नया चीज़ देखो, ईमेल वगैरह का फॉर्म बनाना हो तो इस पर क्लिक करो, यहाँ पे कुछ अलग अलग आपको दिख रहा है ऑप्शन, आप सारे ऑप्शन को क्लिक करके बारी बारी देखो कौन सा बढ़िया है, हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर
ईमेल के माध्यम से हमने बना दी बस सेटिंग। ये आप जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो पेज को, ख्याल रखना। उस पेज को आप बनाओगे बस आप पे डिपेंड करता है कितना बड़ा साइज रख रहे हो, दिख रहा है? ओके, अगर टेम्पलेट चेंज करना है तो क्या करोगे? यहाँ पे हम डिज़ाइन में जाएंगे, क्लिक करेंगे टेम्पलेट पे। कुछ अलग पंपलेट चाहिए आपको, अलग टाइप का कैटलॉग, सॉरी ईमेल फॉर्म, जिस पर डबल क्लिक करो। अब यहाँ देख सकते हो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दिया गया है, प्रोडक्ट सर्विस है, अमाउंट के बारे में दिया गया है। तो ऐसा भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट देखो, एनवेलप बनाना हो कोई लिफाफा वगैरह, इस पर डबल क्लिक करो। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट मिलेंगे, आप इनमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑफिस संबंधी काम करना है तो कोई ढंग का करो तो और भी अच्छा लगता है, ठीक है। कलर वगैरह करना है, बॉर्डर अगर लगाना हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस डिज़ाइन में जाओगे आपको बॉर्डर भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आपको इंसर्ट में जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा बॉर्डर, बॉर्डर का इस्तेमाल कर लो अगर ये बॉर्डर आप यूज़ करना चाहते हो, इसको इस्तेमाल कर लो। यहाँ पे नीचे इसको बड़ा कर लो खींच करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो अच्छे तरीके से। इसके बाद कुछ नया चीज़ देखो, ये क्या है, इसको भी ओपन कर लो। किसी एक को हमने ओपन किया, ये अलग अलग फॉर्मेट है। प्रोडक्ट सर्विस इंफॉर्मेशन यानी क्या, एक यानी बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी काम करना तो आपके लिए बहुत सारी सर्विस यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। न्यू पे क्लिक करो। अब यहाँ पे गिफ्ट सर्टिफिकेट बना रहे हो तो क्लिक करो डबल। यहाँ पे मिलेगा अलग अलग फॉर्मेट, आप किसी को भी एक को अप्लाई करो डबल क्लिक करके, ओपन हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, बस नॉर्मली सा नाम लिखना है और ऑथोराइज के बाद है। यहाँ पे क्या करना होता है, बस आपको एड्रेस चेंज करना है, फॉर्मेट रेडी। और एक चीज़ क्या लगना है, जब ये सब बन जाए तो इसको ईमेल में कन्वर्ट कर लो। फाइल पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे मिलेगा सेव एज, और यहाँ पे मिलेगा आपको जेपीजी फाइल बनाना है, जेपीजी बना लो। पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ बना लो। देखो ये हमने क्लिक किया जेपीजी में, और हम लोकेशन लेते हैं डेस्कटॉप, या हमने लोकेशन ले लिया अपना पीसी, हमने रख दिया इसको पिक्चर में, हमें सेव करना है। आप इसको देखना चाहते हो तो बहुत आसान होगा, ओपन कर लो अपना पिक्चर, डबल क्लिक किया। अब यहाँ देख रहे हो ये वाला इमेज बन चुका है, ठीक है, इसको देखना चाहते हो। ओके, ये आप देखो जूम करके, ये इमेज है, ठीक है। तो ये बहुत आसान होता है काम करना। सर्टिफिकेट वगैरह बना रहे हो तो उनमें क्या होता है, आप बना करके उसको प्रिंट कर लो बहुत आसानी से। तो ये कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा चीज़ जाननी चाहिए। अब इनविटेशन कार्ड की बारे में बात हो रही है, इनविटेशन कार्ड है और दो लेटर पैड वगैरह बनाना। इनविटेशन कार्ड कैसे कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ फॉर्मेट बने पड़े हैं, आप उनका इस्तेमाल करो। या आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, तो यहाँ पे अलग अलग साइज पड़े हैं, आप साइज का इस्तेमाल करो। डबल क्लिक किया, ठीक है। तो कुछ ढंग का बना सकते हो अलग अलग, ओके। कहाँ पे सेटिंग किया गया है, इनविटेशन कर रहे हो, मान लो कोई कंपनी है जो पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, तो यहाँ पे क्या उसके बाद डिटेल दे सकते हैं। ओके, ये देखो यहाँ से इनविटेशन टाइटल क्या है, और उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल दे देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर, डेट, टाइमिंग, डिस्क्राइब लोकेशन, लैंडमार्क, और लिंक टू द गार्डन पार्टी, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, लोग दे सकते हैं। इसके बाद कुछ नया चीज़ देखिए, इन्विटेशन कार्ड के बाद देखिए होता है लेटर पैड बनाना, इसको कैसे बनाइएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ नया चीज़, यहाँ पे इन्विटेशन कार्ड है, लेटर हेड बनाना है, डबल क्लिक किया। जैसे कोई भी संस्था है, कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह है तो लेटर हेड बनाना चाहती है, तो बहुत आसान तरीका है, खुद बना करके अपने अपने हिसाब से डिज़ाइन करें, डबल क्लिक करो।
हेड आ गया, यहाँ पे नाम टाइप करो और बन जाएगा। चेंज करना है इसका टेम्पलेट टू पेज रिजाइन चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे चाहते हो वैसे ले लो। डबल क्लिक क्लिक किया, लेटर रेडी। ओके, इसके बाद कुछ नया चीज़ देखिए, यहाँ पहले मेन्यूज वगैरह बना रहे हो तो डबल क्लिक क्लिक करो, यहाँ फॉर्मेट मिलेगा अलग अलग, यहाँ पर लिस्ट वगैरह देख सकते हैं आपको। डबल यहाँ पे क्रिएट करो, क्रिएट पे क्लिक करोगे फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। इसको डबल देखो, अगर मान लो कोई रेस्टोरेंट वगैरह है तो यहाँ पे आप बना सकते हो ना, यहाँ पे आइटम लिस्ट लगा करके यहाँ पे रेट लगाया और इसको प्रिंट कर दो। डिज़ाइन में जाओ, टेम्पलेट चेंज करो, टेम्पलेट में अलग अलग टाइप चाहिए तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, ऑनलाइन कनेक्ट हो जाओ नेट से, डबल क्लिक करो फॉर्मेट आ जाएगा। कुछ स्पेशल टाइप के आप मेन्यूज कार्ड लगा सकते हैं, वापस जाइए, न्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और होंगी उनको देख लेते हैं, कुछ अच्छा सीखते रहिए। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको पेपर फोल्डिंग, डबल क्लिक करो, आप कुछ अलग फॉर्मेट दिखाने हैं तो दिखा सकते हैं, डबल क्लिक करिए, ये फॉर्मेट आ जाएगा। ये पेपर के अलग अलग कटिंग्स वगैरह हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिंटिंग वगैरह में, चाहे तो बुक्स वगैरह में भी सेट कर सकते हैं अलग अलग टाइप से। इसके बाद कुछ और चीज़ देखो नया, आप सबको प्रैक्टिकली यूज़ करो तो और मज़ा आएगा काम करने में। प्रोग्राम वगैरह है तो प्रोग्राम को डबल क्लिक करो, ओपन कर लो, प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। और इसके बाद दो तीन और ऑप्शन देख लेते हैं, क्विक क्विक पब्लिकेशन है, फिर रिज्यूम वगैरह के लिए फॉर्मेट। तो क्विक पब्लिकेशन यानी कोई भी अगर आप बनाना चाहते हो पेज का हेडिंग वगैरह, फर्स्ट पेज, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग आपको दिख रहा है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे रिज्यूम वगैरह का कुछ फॉर्मेट मिलेंगे, डबल क्लिक करो, बहुत अलग अलग टाइप के रिज्यूम मिलेंगे आपको, तो इनमें से जो आपको लगे सही वो आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैंने रिज्यूम का एक एक सेशन बनाया है, आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं एक्स्ट्रा सेशन के अंदर का। डबल क्लिक करो, आपको रिज्यूम का फॉर्मेट मिल जाएगा, कुछ इस टाइप के भी आप बना सकते हो, नाम, एड्रेस, ऑब्जेक्टिव, क्वालिफिकेशन, वर्क हिस्ट्री, एजुकेशन, रेफरेंसेस, ये सब आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर मिलेगा साइन अप, साइन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करो। इस तरीके से आपने देखा होगा ना वो कहीं भी ऑफिस वगैरह में लिखा होता है फॉर सेल, 50% सेल, क्लोज, एक्सेप्टेड, सीसी फुटेज हेयर, ठीक है ना, सर्किट, बीवेयर ऑफ डॉग, तो ये सब कुछ चीज़ें आपके पास रेडीमेड पड़ी हुई हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, कुछ चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो नाम लिख करके भी चेंज कर सकते हैं, जिससे देखा होगा ना पार्किंग नॉट अलाउड, प्राइवेट प्रॉपर्टी, आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ये सब चीज़ें, टू लेट, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। और उसके बाद कुछ और चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, बैनर टाइप में अलग अलग टाइप है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आप कुछ चीज़ें मैं बता दूँ इसमें, इंसर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, अगर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहते हो तो ये बॉक्स लगा दो, सेट कर लो, बॉर्डर सेट करना चाहते हो बॉर्डर सेट कर लो, बिजनेस इन्फॉर्मेशन कुछ देना चाहते हो जो आपके पास ऑलरेडी है उसको इंसर्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ें। और यहाँ पेज डिज़ाइन आपको बताइए, यहाँ पे कलर वगैरह के लिए यूज़ करेंगे। मेलिंग का भी इस्तेमाल इसमें हम कर सकते हैं, जिसे एमएस वर्ड भी हम करते हैं, ठीक है, बाकी काम आप खुद कर पाएंगे आसानी से, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करोगे तो और मज़ा आएगा। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।